नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइन एंड स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम इस नाइटी की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, नाइटी मैंने इस तरीके से यॉक डिजाइन पे लूप्स लगा के बनाई है। ये बहुत इजी तरीके से मैंने बनाई है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब नाइटी के लिए इसकी जो टोटल हमारी तैयार लंबाई रहेगी 50 इंच। अगर आपके हाइट ज़्यादा है तो आप इसमें ज़्यादा कपड़ा ले सकते हैं। मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, तो ये 3 मीटर कपड़े तक फुल गाउन नाइटी हमारी बन जाती है। तो ये देखिए, आगे इसमें मैं ये चौकोर गला रखने वाली हूँ और योक की डिजाइन बनाऊंगी। तो देखिए इसकी कटिंग किस तरीके से मैंने की है, मार्किंग किस तरीके से हम करते हैं वो देखिए आप। ये दोनों साइड है, ये हमारा कपड़ा है, ये मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। किनारे की साइड इधर है, ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4 साइड ये हमारी खुली हैं और ये इधर की साइड ये बंद साइड है। तो ये हमारी आगे का पार्ट और पीछे का दोनों एक साथ कट रहे हैं हमारे, इसमें ये दोनों फोल्डेड साइड है। तो ये देखिए, और ये जो गाउन है उसको आगे पीछे से दोनों साइड से हम पहन सकते हैं, इसलिए इसकी आर्म होल भी सेम कटिंग होगी। तो ये देखिए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो मैंने हम सबसे पहले यहाँ से मार्क करते हैं। ये देखिए, ये 4.5 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगी, 1.5 इंच और यहाँ से भी इस पर 4.5 इंच पर निशान लगाना है। और फिर इसको गाउन हमारी एकदम लूज़ होती है, ब्लाउज की में फिटिंग देते हैं हम, इसलिए हम इसकी मार्क भी जो मेजरमेंट है वो इसमें हम ज़्यादा रखने वाले हैं। तो जो भी आपका आर्म होल है उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके चलें, तभी गाउन एकदम लूज़ बनेगी और पहनने में भी कंफर्टेबल रहेगी। ये देखिए, आर्म होल 6 है तो मैं इसमें 7, 7.5 पर इस पर निशान लगा रही हूँ। ये देखिए 1.5 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है और इसमें यहाँ पर 1.25 इंच पर मैं इसमें गुलाई दे रही हूँ। ये देखिए, ये तो हो गया हमारा आर्म होल। अब ये देखिए, शोल्डर की जो पट्टी मुझे रखनी है वो रखनी है 3 इंच, तो यहाँ पर हमने 3 इंच पर मैं निशान लगा देती हूँ। और जो नेक की हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है मुझे 7 इंच। और इसमें हम क्या है कि योक पट्टी भी लगाने वाले हैं, तो मैं इसमें 2 इंच के लगभग ही हमारी योक पट्टी हो जाएगी इसमें। और यहाँ पर मैं इसमें 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अगर आप 6.5 इंच का गला पहनना चाहते हो या 6 इंच का पहनो, तो इसमें 7.5 और 8 इंच पर निशान लगा सकते हैं। और अगर ज़्यादा बड़ी योक पट्टी रखनी है तो 10 इंच पर निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए आप, इसमें 2-3 जगह 9-9 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए, अब हमें ये सारे निशानों को एक साथ मिला लेना है ऐसे, और इसको भी इस तरीके से मिला लेंगे। नेक वाले को भी हम यहाँ पर मिला लेंगे। अब इसमें आप चाहे तो राउंड शेप दे सकते हैं। मैं इसमें चौकोर गला रखने वाली हूँ नाइटी में, इसमें राउंड दे के भी आप 1 इंच गुलाई दे के राउंड भी इसमें हम बना सकते हैं। तो मैं इसको इसी शेप में बनाऊंगी। और अब आप ये देखिए, यहाँ पर जो मैं नेक रखूँगी वो रखूँगी 7 इंच का, 7 इंच उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर हम एक निशान लगा देते हैं 7 इंच पर। और इसमें कमर और सीने का कोई मेजरमेंट हमारे गाउन में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्लेट डलेंगी और हम सीधे यहाँ पे इसमें साड़ी में प्लेट डालकर एकदम ये पूरा गाउन खुला खुला बनने वाला है।
अब जैसे हमने ये मार्किंग की है उसी पर हमें कटिंग कर लेनी है। इसमें कोई मेजर मार्किंग नहीं है, ये सिंपल मार्किंग है, तो मैं इसी पर कटिंग कर लेती हूँ। और ये हमारी आगे पीछे का गला इसमें सेम रहने वाला है। अब हम आर मोल की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और ये हमारे सेंटर है, तो सेंटर में भी आप एक बार इसमें कट लगा लें। और अब ये देखिए, यहाँ तक मैंने निशान लगाया था 7 इंच पर कि भाई हमारी जो लंबाई होगी वो नेक की होगी 7 इंच। तो 7 इंच पर उठाकर हमें यहाँ पर कट लगाना है, ताकि सिलाई करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रहे कि हमें यहाँ तक हमारा नेक है। और यहाँ पर अब हमारी शोल्डर पट्टी है, जॉइंट है, तो हम इनको अलग अलग कर देते हैं। ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और ये देखिए, मैंने जो हमारी बीच में से हमने नेक का जो कपड़ा निकला था उसमें से मैंने ये स्लीव कटिंग कर ली है। स्लीव नॉर्मली हम जिस तरीके से कटिंग करते हैं आर्म होल का मेजरमेंट करके, उस तरीके से मैंने ये कटिंग कर ली है। बीच वाला जो हमारा कपड़ा निकलता है उसमें आराम से हमारी स्लीव निकल जाएंगी। तो इस तरीके से स्लीव और दोनों पार्ट हमारे निकल गए। ये मैंने एक मैचिंग का कपड़ा लिया हुआ है, ये देखिए। इसकी हम आगे योक की जो डिजाइन बनाने वाले हैं वो इसमें इस कलर से बनाएंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया मैंने। हमें 4 योक पट्टी चाहिए, 2 पीछे के लिए और 2 आगे के लिए। मैं पहले आगे की 2 कार्ड लेती हूँ और फिर उनको अनुसार ही पीछे के हम 2 कार्ड ले लेंगे। देखिए, मैंने 10 इंच के लगभग इसकी लंबाई रखी है। 10-10 इंच पर आप मार्क कर लें। और यहाँ पर 8.5 और 9 इंच तक आप ले सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको, क्योंकि इससे हमारी एक पट्टी निकलेगी, हम इसको यहाँ से पकड़ के ये स्केल रख के इसको इस तरीके से पलट लेंगे। अब हमारी ये 4 फोल्ड हो जाएगा बराबर से। देखिए, इधर से हमारा दोनों साइड जॉइंट होनी चाहिए और उधर खुली साइड। अब हमें सबसे पहले क्या है कि हमारे जो गले की चौड़ाई है उस पर हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, 3-3 इंच पर निशान लगा के ऐसे। ये देखिए, 3 इंच पर हमने निशान लगा लिए। अब जो हमारी लंबाई थी वो मैंने रखी थी 7 इंच। ये देखिए, ऊपर से यहाँ से मैं 7 इंच पर निशान लगा दूंगी। 7 इंच पर निशान लगा के एक हमारा बॉक्स बन जाएगा। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इससे नीचे ये जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये लगभग 3-3 इंच का हमारा कपड़ा है, तो 3 इंच हमें इधर लेना है। ये देखिए, और 3 इंच हमें यहाँ लेना है और 3 इंच इधर लेना है। अब हम नाइटी की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये हमने जो ये पीस काटे हुए थे नेक के लिए, सबसे पहले हम इनको किस तरीके से जोड़ेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, दोनों को इस तरीके से लेके बराबर कर लें। देखिए, चारों
कोण है ये एकदम हमारे मिलने चाहिए, और ये छोटा बड़ा कहीं से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से पकड़ के, और ये देखिए यहाँ से, और फिर इस पर हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत आसान है, तो आप वीडियो को देखें पूरा और समझें, और इस तरह की नाइटी बनाने का ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये देखिए हमने इस तरीके से इसको सिल दिया, तो इसको अब हम ऐसे पलट लेंगे। एक योक ये हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरीके से नाखून से प्रेस करके यहाँ पर ये दोनों साइड मैंने कट लगा दिए थे, ये देखिए दोनों साइड हमने कट लगा दिए। कट से ये कॉर्नर पे हमें कट लगाने के बाद इसको पलट लेना है। ये देखिए ये नेक की सेफ हमारी ये बन गई है। अब इस पर किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है किनारे की। ये देखिए पूरी किनारे के बराबर से लेकर पूरे पर हमने सिलाई लगानी है। अब ये देखिए ये चारों तरफ मैंने इस पे सिलाई कर ली। अब हमें इस लेस को, ये मैंने वाइट कलर की लेस ली हुई है, और इसको नेक के चारों तरफ हमें इसको अटैच करना है। ये देखिए ये देखिए अब ये पूरी नेक पर ये अटैच कर लिया। अब इसको हम एक बार साइड में रख देते हैं। अब जो हमने ये कटिंग की हुई थी ये देखिए, अब हमें क्या करना है,
ये देखिए, ये जो हमने सेंटर पे कट लगाया था, कट पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, प्लेटें इसमें, एक जो मेन प्लेट होगी ये बॉक्स प्लेट होगी इस तरीके से हम, ये देखिए ऐसे, तो इधर की प्लेट हम इधर की साइड लाएंगे और इधर से इधर की साइड, तो दोनों इस तरीके से हमारी प्लेटें मिलती जाएंगी। तो यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है, न तो ज़्यादा बड़ी प्लेट डालनी है, ज़्यादा छोटी 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 सी प्लेट्स हम यहाँ पर डाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको उठाया, लगभग यहाँ पर हम 2-2 इंच की प्लेट डाल लेंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का कपड़ा जो टोटल उठता है वो 1.5-2 इंच का, इसका कोई फिक्स ऐसे मेजरमेंट नहीं है, आप अपने नेक के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरे में, जब हम इसमें एक, अगर हम इसमें एक साइड ही प्लेट डाल देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, दोनों साइड प्लेटें डाल के जब वो डिजाइन जो बनेगी वो एकदम बैलेंस में आएगी। अगर हम एक साइड डाल देते हैं तो वो क्या है कि गाउन ऐसा लगता है कि उसकी प्लेटें एक साइड निकली हुई होती है, तो वो देखने में भी भद्दी लगती है। ये देखिए, ये हमारी एक साइड प्लेट लग गई। अब इसको हमको इस तरीके से पलट के, ये देखिए, अब इससे आइडिया लगा लो कि जो मेन प्लेट होगी वो बॉक्स प्लेट के की तरह, बैक साइड में वो हमें बॉक्स प्लेट की तरह दिखाई देगी। अब इधर से भी हमें, ये देखिए, ऐसे उठाकर ये दोनों प्लेटें हमारी मिल जानी चाहिए। ये सेंटर है और इसी से हमारा सेंटर का भी पता चलेगा। जब हम योग पट्टी जोड़ेंगे तो सेंटर का भी ध्यान रख के हम यहीं से हम योग पट्टी का सेंटर जॉइंट करेंगे। दोनों साइड जो आप लंबाई लें प्लेट्स की वो लगभग बराबर बराबर लें और छोटी छोटी प्लेट्स डालें। ये देखिए, दोनों साइड हमारी प्लेट डलकर कंप्लीट हो गई। ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारी प्लेटें डलेंगी। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ये हमारा इसमें सेंटर है तो इसमें भी हमें इसका सेंटर कर लेना है। ये यहाँ से ये दोनों कॉर्नर मैच करते हुए, चाहे हमारा ये कपड़ा आगे पीछे वो, लेकिन हमें ये जो गले का जो नाप है वो बिल्कुल मैच करनी है। और यहाँ से एक सेंटर पर एक कट लगा देंगे। ये देखिए, अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर है, और ये इसका सेंटर है, तो इसको उल्टा रख के और इसके सेंटर से इस तरीके से सेंटर को जॉइंट करके, ये देखिए, ये यहाँ से ये जॉइंट कर लेंगे और ये इस तरीके से ये हमारा पलट जाएगा। और इस बात का यहाँ पर आप निशान लगा लें कि कहाँ तक ये हमको लाना है, और इधर भी जैसे आप सिलाई करोगे उसके बाद ये यहाँ भी निशान लग जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ये पूरा हमें जोड़ना चौकोर, और फिर इस तरीके से ये पूरा, ये देखिए ऐसे ही हमारा ये योग बनके रेडी हो जाएगा। अगर ये प्लेटें इस तरीके से इसमें दब जाएंगी, तो मैं इसको जॉइंट कर लेती हूँ और फिर इसको पलट के आपको दिखाती हूँ। अब इसको देखो, ये सिल के मैंने इस तरीके से इसको पलट लिया है। अब इस लेस को लेके हम यहाँ पर भी एक लेस लगा लेंगे इस पे, चारों तरफ।
कॉर्नर बनाते हुए। लेस ऑप्शनल है, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज लेस से क्या है कि इसका लुक बढ़ जाता है। जो रेडीमेड गाउन आती है उनमें इस तरीके की लेस लगी हुई आती है तो वो सुंदर लगती है, एक रेडीमेड का ये लुक देता है। यहाँ पर भी एक कॉर्नर हम बना लेंगे, ये देखिए। अब इस पर हम डबल सिलाई करके अब ये देखिए मैंने ये पूरी लेस अटैच कर ली है ये इस तरीके से। और हमने क्या किया है, पीछे भी हमें सेम यही पैटर्न तैयार करना था तो पीछे की साइड भी मैंने ये तैयार कर लिया है। और स्लीव नॉर्मल जिस तरीके से जॉइंट करते हैं वो स्लीव मैंने इसमें जॉइंट कर ली है। स्लीव में कोई इसमें हार्ड काम नहीं है, जिस तरीके से हम ब्लाउज वगैरह में जॉइंट करते हैं उसी तरीके से इसमें जॉइंट किए। अब मैंने एक लूप बनाई है, उसमें एक वुडन बटन लगाया हुआ है, ये देखिए मैंने इसमें पहले इसमें अटैच कर लिया सुई से। अब हम इसमें जो ये सेंटर था तो यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे, ये देखिए इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर अटैच कर देती हूँ, ये देखिए। बिल्कुल जैसे जिस तरीके से रेडीमेड बाज़ार में हम लोग लेके आते हैं गाउन, उस तरीके का गाउन बनकर ये तैयार हुआ है, बहुत सुंदर। और कॉटन में है ये गाउन, आप कॉटन ही में बनाएं ताकि पहनने में कोई से भी मौसम में आपको सही रहे स्किन के लिए। और सभी व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसको हाथ की सुई से ये मैंने अटैच कर लिया है और पीछे हम इसको पक्का कर लेते हैं। तीन चार नॉट लगा के अच्छे से टाइट कर दे ताकि ये खुले ना, उसे यहाँ से हम काट देते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से इसका है, ये छोटी छोटी लूप्स मैंने लगा दी इसमें। और ये देखिए कितना सुंदर ये हमारा गाउन बनके तैयार हो गया है। तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। ये गाउन आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के अलग अलग डिजाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।